वीडियो में एक बात क्लियर करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे YouTube पे एक कमेंट आया था, तो उस बात का जवाब दे रही हूँ। तो YouTube पे एक कमेंट आया था कि आपके बेटे के काय की लगी, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि मेरे बेटे के किसी ने मार दिए प्रगति नगर में, वो खेल रहा था वहाँ पर। तो उस पर वो कमेंट यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, पूरी कॉलोनी तारीफ करती है। अगर इतना अच्छा बच्चा है तो मेरे बच्चे के मार्क देखो आप। मैं यहाँ पर पिक्चर्स लगा रही हूँ आपको, किस तरीके से उसके मार्क आए हुए हैं और किस तरीके से उसको मारा गया है। बस शुक्र मानो उसके टाके नहीं आए, थोड़ा बहुत उसके लगी है, नहीं तो उसका तो पूरा गला वाला सब पकड़ लिया था उसका, उसकी जबान बाहर आ गई थी। एक बताएगा उसकी जुबान से कि क्या करा था उसके साथ में। और मैं उसके घर पे गई थी, उसको चिल्लाया, लेकिन मैंने उसको एक उंगली तक भी नहीं लगाई मैंने उसके, क्योंकि हमारी ये आदत है जब भी बच्चे लड़ते हैं ना, ये मार मार के खा खा के आता है, लेकिन हम कभी उसके किसी के घर पे नहीं गए। आप सुल्तान से पूछ लो वहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं होता, जाके मुंह से जरूर बोल लेगा लेकिन मारा नहीं कभी। आज बता सुल्तान क्या हुआ था वहाँ पर। एक लट्टू रहता है ना, मैं आपके खेल रहा था, बताऊं तो रख ले तू। वो बोल रहा था मुझसे, जिस कर रहा था रोजाना के मुझे दो दिन के लिए मैं वापिस दे दूंगा। फिर मैं आया, मैंने बोला कि लट्टू मुझे वापिस दे दे। उसने पहली बार में ना मुझसे बोला, मुझे टुंगा के ऊपर कर लिया। फिर करने के बाद ना बोला लट्टू दे, फिर उन्होंने नाली में फेंका ना, नाली में फेंकने के बाद दोबारा निकाल लिया, दोबारा निकाल के मुझे ऊपर करा ना, फिर दोबारा फेंक दिया। दोबारा के बाद ना उसने निकाला ना, मैंने बोला तू ही रख ले, मैं मोहम्मद से बोला मैंने तू ही रख ले लट्टू जो। फिर है ना, तो फिर गार्डन क्या करा था आपने, साइकिल ले ली थी उसकी। साइकिल लेने के बाद मेरा भाई अब्बास और मैंने साइकिल ले ली थी उसकी, और साइकिल में ना गोल राउंड घुमा दिया था दो। फिर उसके बाद है ना मैंने बोला ले चिंटू, अच्छा सॉरी मैं तेरी साइकिल वापिस दे रहा हूँ जो। फिर है ना उसने ना आके मेरा गला पकड़ लिया, सॉरी मेरे बेटे ने सॉरी मांगी उससे। साइकिल चलाने बच्चे चला ही लेते हैं आजकल की, बुराई बुराई सुनिए कि पागल है वो, तो सबको मारता है सबको करता है, और सबके और कमेंट करा जा रहा है। यहाँ पर मैं कमेंट भी दे दूंगी कि उसकी तो पूरी कॉलोनी तारीफ करी, इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है तो मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा है। मतलब हम कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब फायदा उठाएंगे, सब मार मार के जाएंगे, और मेरा बच्चा तो हमेशा मार खा के आता है, लेकिन हम कभी किसी के घर पर नहीं गए कहने कि मेरे बच्चे को मारा मेरे बच्चे को, क्योंकि ये निशान और ये सब चीज़ों से आप ही बता दिए कि कौन ज़्यादा शरीफ है और कौन ज़्यादा वो है। दैट्स इट।